गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आ गई हूँ किचन में, तो मुझे बनानी है चाय। आइनू भी मेरे साथ चाय पिएगी आज, तो मैं चाय बनाती हूँ और डुगू के लिए मिल्क करती हूँ। किचन में जाने से पहले मैं आ गई हूँ डुगू आइनू के रूम में, और ये डुगू की अलमीरा है, और वो डुगू नहाने के लिए गए और कह रहा है कि मम्मा मेरे कपड़े निकाल के दे दो। तो ये मैंने उसके कपड़े निकाल लिए हैं। तो ये रहे इसके कपड़े और मैं इसको दे देती हूँ जाके। ये ले डुग्गू, ये लो बेटा आपके कपड़े रख दिए मैंने। और अब हम चलते हैं फिर से किचन में और बनाते हैं अपनी चाय। आज भी धूप निकल गई है थोड़ी थोड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि किचन की तरफ धूप आ जाती है। कल रात सोने के बाद मेरी 2-3 दफा आंख खुली, लेकिन बड़ा फ्रेश सा लग रहा था। फर्स्ट बार मेरी आंख खुली 3:30 बजे, तो लग रहा था कि सारी नींद पूरी हो गई। टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे, फिर उसके बाद 5:30 बजे बाहर निकलते ही छींके शुरू मेरी। सो आइनू कह रही है कि मामा मुझे चाय के साथ ब्रेड खानी है, तो मैं उसके लिए सेक देती हूँ ब्रेड। और ये मैंने गैस ऑन कर दिया है और पैन रख दिया है। इधर मूंगफली रखी थी तो उठा के साइड में रख देती हूँ। और फ्रिज में से निकाल लेती हूँ ब्रेड। तो चाय भी बन गई है और आइनू का ब्रेड भी सिक चुका है। और डुगू को भी कोल्ड हो रहा है, डुगू को भी मैं थोड़ी सी चाय दे देती हूँ। सो चाय रेडी है हमारी और मैं जा रही हूँ बच्चों के पास लेके। सो गाइस, मुझे पता नहीं था कि इनको आज 10:30 का ट्यूशन है, 10:20 हो रहे हैं, तो ये चाय पी के जाएंगे ट्यूशन। एक मिनट बंद कर दे, क्या बोल रहा है? आपको पता नहीं चल रहा? एक्चुअली जो मेरी सुबह की चाय होती है ना, फर्स्ट चाय, तो उसके साथ बस मैं एक ब्रेड और बिस्किट ही लेती हूँ। सो गाइज, अब मैं पढ़ूंगी न्यूज़पेपर और उसके बाद देखूंगी घर के काम। सो गाइज, बच चुके हैं 1:30 और घर का सारा काम करके मैं नहा ली हूँ
और अब मुझे लंच करने के बाद जाना है नीलू के साथ मार्केट। उसकी साड़ी फॉल पिको हो क्या होगा उस पर, और उसने बाजू लगवाई थी वो भी लगा दी होगी, तो हम साड़ी उठा के लाएंगे और मैं कुछ अपने लिए भी देखूंगी। तो हम निकलेंगे यहाँ से 2:30 बजे, उससे पहले मैं लंच कर लेती हूँ और बच्चों को भी लंच दे देती हूँ। सो गाइस 2:45 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ नीलू के साथ मार्केट और बच्चों को छोड़ूंगी मम्मी के घर, तो हम मिलते हैं आप थोड़ी देर में। गाइस नीलू को जो जो सामान ला रहा था, चूड़ियाँ, इयर रिंग्स और सेट, तो मैंने उसको दिला दिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि शाम को जाना भी है पार्टी में, वहाँ की तैयारी करनी है, डुकू आइनू के ड्रेसेस निकालनी है और मुझे भी अपना देखना है कि मुझे क्या पहनना है। सो गाइस 7:30 बज चुके हैं और हमें होना है रेडी अल्ताफ और नीलू की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जाना है। यहाँ मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, मैंने पहननी है रेडी टू वेयर साड़ी और डुग्गू आइनू मुझे दिला के लाए हैं और अब हम होंगे तैयार और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और डुग्गू आओ, डुग्गू भी हो गया है रेडी और नीलू भी रेडी हो रही है, तो हम जाने के लिए हो गए हैं तैयार। और मेरी साड़ी, मैंने इयर रिंग भी लिए थे सदर की मार्केट से। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं और रूही भी आ गई है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम। तो गाइस हम उतर के आ गए नीचे और आप देख रहे हैं नरद भाभी की जोड़ी कैसी लग रही है। सो गाइस हम पहुंचे हैं ग्रैंड मेगा मॉल और हमें जाना है सेकंड फ्लोर पे। सो हम आ गए हैं लिफ्ट के अंदर, हम लिफ्ट से निकल के आ चुके हैं बाहर, तो हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और देखते हैं वहाँ पे डब्बू इस समय फिटिंग करके आती है। हम फिर से लिफ्ट में है, एक लिफ्ट और चढ़नी है हमें। गाइस हम पहुंच चुके हैं लंच के लिए, नहीं डिनर के लिए। और मैं पहुंच चुके हैं अंदर बारबेक्यू में, आ जाओ। गाइस हम छोटे वाले ब्रदर का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम केक कट करेंगे और डुकू ले रहे हैं यहाँ पे स्टार्टर और ये बैठी और वहाँ भी अल्ताफ के गेस्ट बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। और हम डुकू निकाल रहे हैं यहाँ पे पाइनएप्पल और खा रहे हैं। डुकू पाइनएप्पल के साथ क्या लिया है आपने? पाइनएप्पल के साथ क्या लिया है? अभी चल रहे हैं हमारे स्टार्टर, ये हमारे स्टार्टर और सब लोग ले रहे हैं स्टार्टर। अब ये गुड पॉइंट्स करने चले, देखो 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 देखो। आरिज यहाँ पे खा रहा है आइसक्रीम, बड़े मजे से खा रहा है ये आइसक्रीम यहाँ पे। समर जैकेट, टुकू को लग गया ये गर्मी, वो पहन नहीं सकते आप।
तो गाइज अब हम निकल रहे हैं, पार्टी ओवर हो चुकी है, पार्टी काफ़ी अच्छी रही थी और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो हम आपके घर जाके मिलते हैं। तो गाइज ये आ गए हैं, क्रिसमस ट्री है और ये बुके मुझे दे दो प्लीज़, ये बुके बहुत स्वीट है, पिंक कलर का ये बुके दे दो। सो गाइज रात के बज चुके हैं 1:30 और हम लोगों ने अभी पार्टी से आगे बस कपड़े चेंज किए हैं और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मैं मिलती हूँ कल आपसे। गुड नाइट, शब्बा खैर, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल।